नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है वन प्लस बैंड जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। 2499 रुपये में आपको मिलता है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। तो आप अगर पहली बार वन प्लस बैंड को यूज़ कर रहे हो तो आपको किस तरह से इसे सेटअप करना है, किस तरह से इसकी सेटिंग्स रखनी है, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। सबसे पहले जब आप अपने बैंड को निकालते हो बॉक्स में से, तो जो बैंड होता है वो स्विच ऑफ होता है, तो उसे स्विच ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले इसे चार्ज करना है। आप 1 घंटे से 2 घंटे तक इसे चार्ज कर सकते हो, पहली बार आपको चार्ज करना पड़ता है। अब जब चार्जिंग करनी है तो आपको पता है यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक चार्जर नहीं है, आपको यहाँ पे ये ट्रेडिशनल चार्जर मिलता है ओल्ड फैशन वाला। इसका मतलब है कि आपको इस डायल को निकालना पड़ता है, तो निकालने के लिए आपको ऊपर से प्रेस करना है नीचे की ओर, और इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 2 डॉट मिल जाएंगे देखने के लिए यहाँ पे, और चार्जर में भी आपको यहाँ पे 2 डॉट मिल जाएंगे ऊपर की तरफ। तो इन्हें अलाइन करके आपको प्रेस करना है नीचे की तरफ, और एक आवाज सुनाई देगी आपको, और तब जाके जो चार्ज है आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। आप किसी भी चार्जर से इसे चार्ज कर सकते हो। अब जब चार्जिंग हो जाती है तो आपको इसे निकाल देना है और फिर वापस इसे इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करने के लिए भी आपको नीचे से ही इसे इंसर्ट करना है। तो आपको पहले एक एंड डाल देना है और फिर एक साइड से आपको पुश करना है ऊपर की ओर, तो इस तरीके से ये फिक्स हो चुका है। इसे यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप को डाउनलोड करना है, तो आप प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वन प्लस हेल्थ। आप यहाँ पे देख सकते हो वन प्लस हेल्थ को आपको डाउनलोड करके ओपन करना है, और फिर आपको यहाँ पे एग्री करना है। तो मैं भी पहली बार ही यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ। पहली बार आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर देना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है, फिर आपको यहाँ पे कुछ परमिशंस अलाउ करनी होती है। आपको अलाउ करके यहाँ पे टर्न ऑन करना है लोकेशन सर्विस को, ऑल द टाइम यहाँ पे करना है अलाउ ऑल द टाइम, और इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है मैनेज में, और मैनेज में आपको यहाँ पे करना है ऐड, तो आप इसे ऐड करिए टर्न ऑन और अलाउ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है वन प्लस बैंड, तो आपको इस पे टैप करना है, और अभी ये प्रिपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे पेयरिंग रिक्वेस्ट आ चुकी है, आपको यहाँ पे ओके करना है, पेयरिंग हो रही है, फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, और यहाँ पे टिक करके आपको कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करना है अलाउ करना है अलाउ अलाउ अलाउ, और फिर नोटिफिकेशन के लिए आपको इसे भी यहाँ पे अलाउ करना है, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है वन प्लस हेल्थ, अलाउ कीजिए। फिर बैक जाकर आप कौन से हाथ में पहनते हो, कौन से रिस्ट में, तो मैं लेफ्ट में, तो लेफ्ट में सिलेक्ट करूंगा, और फिर गेट स्टार्टेड। और फिर बैकग्राउंड एक्टिविटी के लिए आपको परमिशन देनी है, तो सेट नाउ करना है आपको। तो आपको 3 चीजें करनी है अगर आप कोई भी फोन यूज करते हो। तो अगर आप सैमसंग का यूज कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि जो ऐप है हमेशा चलता रहे बैकग्राउंड में, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 3 चीजें करनी है। सबसे पहले तो आपको इस ऐप को लॉक कर देना है रिसेंट ऐप में से, यहाँ पे ऑप्शन होगा लॉक दिस ऐप। फिर यहाँ पे ऐप इन्फो में जाना है आपको, ऐप इन्फो में जाकर यहाँ पे बैटरी में अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी इसे इनेबल करना है, और ऑप्टिमाइज बैटरी यूसेज इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एप्स नॉट ऑप्टिमाइज इस पे क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पे सर्च करना है वन प्लस हेल्थ। तो ये रहा वन प्लस हेल्थ, आपको इसे यहाँ से डिसेबल कर देना है। ये 3 चीजें करने के बाद अब जो आपका ऐप है बैकग्राउंड में कभी भी ऑफ नहीं होगा। दोस्तों अगर आप कोई और फोन यूज करते हो जैसे शाओमी या फिर ओप्पो, तो आपको यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जाना है ऐप प्रोटेक्शन में, और फिर आपको यहाँ पे कौन सा आप फोन यूज करते हो, कौन से ब्रांड का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है अदर पे, और फिर आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो अगर शाओमी का यूज करते हो, शाओमी का यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी चीजें आपको करनी है, यहाँ आपको बताई गई है। जैसे मान लो अगर आप एमआई का फोन है आपके पास, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करके उस ऐप को यहाँ पे लॉक करना है, लॉक हो चुका है। उसके बाद जैसे वन प्लस हेल्थ होगा तो यहाँ पे एमआई फिट है, उसी तरह से यहाँ पे वन प्लस हेल्थ होगा आपके फोन में, तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है उस ऐप पे, ऐप इन्फो में जाना है, फिर आपको यहाँ पे ऑटो स्टार्ट को ऑन करना है, फिर आपको यहाँ पे ऐप परमिशन में जो लोकेशन है यहाँ पे अलाउ ऑल द टाइम करना है, और फिर बैटरी सेवर में आपको यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन ये सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो
ये इस तरीके से आपको पहली स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसे क्लॉक स्क्रीन भी कहते हैं। तो यहाँ पे वॉच फेसेस है, आपको यहाँ पे 5 वॉच फेसेस मिलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको यहाँ पे स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट करना है, स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट करिए, आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे अलग अलग वॉच फेसेस। तो आपको इसकी सेटिंग्स कैसी करनी है, तो आपको यहाँ पे जाना है मोर में, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है और फिर सिंक फोन नोटिफिकेशन इस पे क्लिक करना है। तो फोन की जो नोटिफिकेशन होंगी वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके लिए सेटिंग्स होती है, तो यहाँ पे इसे इनेबल करना है। और कौन कौन से ऐप्स आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन आपके बैंड पर आए, आप उन सभी ऐप्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है व्हेन नॉट वेयरिंग डिवाइस, मतलब अगर आप चाहते हो जब आप अपने हाथ में ये जो बैंड है नहीं पहनो, तब भी अगर आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन आए बैंड पे, तो आपको इसे इनेबल करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर मैं बैंड नहीं पहनता हूं तब मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए इस पे, तो आपको इसे कुछ नहीं करना है। फिर दूसरा ऑप्शन होता है व्हेन फोन स्क्रीन इज ऑन, मतलब अगर फोन की स्क्रीन ऑन हो और तब भी अगर आपको चाहिए नोटिफिकेशन इसमें, तो जरूरी नहीं, क्योंकि हम फोन पे हैं, तो अगर फोन पे सारी नोटिफिकेशन मिल रही है तो हमें जरूरी नहीं कि इस पे चाहिए नोटिफिकेशन। लेकिन अभी इन दो ऑप्शन को ऑफ ही रखना, ताकि जो बैटरी है ज्यादा चले और आराम से जो आपका बैंड है आपको 2 हफ्ते तक बैटरी बैकअप दे देगा। तो अब आते हैं अलार्म्स में, तो अलार्म यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, तो जब भी अलार्म टाइम होगा तो आपका जो ये बैंड है वाइब्रेट करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे वर्कआउट एंड हेल्थ सेटिंग मिलती है, तो यहाँ पे कुछ आपका स्टेप गोल क्या है, कितने स्टेप आपको चलना है एक दिन में, ऐसा कुछ गोल अगर आप रखना चाहते हो रख सकते हो। दोस्तों फिर होता है गेट अप रिमाइंडर, तो इसमें होता है दोस्तों अगर आप कुछ भी मूवमेंट नहीं करते हो 1 घंटे के भीतर और ऐसे ही बैठे हुए हो आइडल में, तो यहाँ पे आपको एक अलर्ट आता है कि आपको अभी उठना है, मूवमेंट करना है, तो ये गेट अप रिमाइंडर होता है। फिर यहाँ पे हार्ट रेट ट्रैकिंग का ऑप्शन होता है, अगर आप ऑटोमेटिक हार्ट रेट ट्रैकिंग ऑन करना चाहते हो तो 24/7 ये ट्रैक होगा यहाँ पे हार्ट रेट, लेकिन आप इसे ऑफ ही रखना, क्योंकि आप मैन्युअली जब चाहे तब उसे यहाँ पे क्लिक करके हार्ट रेट चेक कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे ऑटो में रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रियल टाइम में 24/7 हार्ट रेट ट्रैकिंग चाहते हो तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे मिलता है वर्कआउट हार्ट रेट अलर्ट, तो यहाँ पे मतलब जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका जो हार्ट रेट है कितना होना चाहिए, तो 220 माइनस आपकी एज कितनी है उतना आपको यहाँ पे सेट करना है। अगर मान लो आपकी एज 20 है तो 220 माइनस 20 मतलब 200 यहाँ पे आपको सेट करना होता है, और इससे अगर ज्यादा आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है तो आपको यहाँ पे अलर्ट आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे SpO2 मतलब आप इस बैंड से जो ऑक्सीजन लेवल है ब्लड में वो भी यहाँ पे मेजर कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको इसे ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, मतलब ये ऑटो का ऑप्शन है, हालांकि आप मैन्युअली भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन होता ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप मैन्युअली भी इसे कर सकते हो। तो ये होता है ऑटो के लिए, लेकिन अगर आपको ऑटो नहीं करना है, आप चाहते हो कि जब मैं यहाँ पे टैप करूं तभी SpO2 मेजर हो, तो आपको इसे ऑफ ही रखना है। दोस्तों फिर होता है यहाँ पे ऑटो पोज, दोस्तों अगर मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो और बीच में आप अगर रुक जाते हो तो जो एक्सरसाइज की रिकॉर्डिंग होगी वो भी रुक जाएगी, और अगर आप वापस चालू करते हो एक्सरसाइज तो वापस रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। आप इस तरीके से यहाँ पे सेटिंग्स रख सकते हो। इसके बाद आता है प्रेफरेंसेस, तो इसमें आपको यहाँ पे वेयर बैंड ऑन, आप कौन से हाथ में पहनते हो उस हिसाब से आप लेफ्ट या राइट सिलेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों आप अपना बैंड जब पहनते हो तो आपको याद रखना है आपके यहाँ पे रिस्ट से एक उंगली डिस्टेंस रख के आपको यहाँ पे रखना है, इस तरीके से पहनना है, ताकि जो मेजरमेंट करते हो आप हार्ट रेट का या SpO2 का वो ठीक से आए और आपके जो भी एक्सरसाइज की रिकॉर्डिंग हो ठीक से हो। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है रेस्ट टू वेक, मतलब अगर आप अपने बैंड को मतलब रिस्ट को ऐसे उठाते हो तो यहाँ पे आप उसका टाइम देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे रेस्ट टू वेक करना है ऑल डे। अगर मैंने यहाँ पे ऑल डे रखा हुआ है तो मतलब पूरे दिन में अगर मैं ऐसे करूंगा, आपको इस तरीके से अपने हाथ को उठाना है, तो आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो, वापस नीचे करने पर ऑफ हो जाता है, ऊपर करने पर ऑन हो जाता है, नीचे करने पर ऑफ होता है, तो आप इस तरीके से रेस्ट टू वेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप जेस्चर से भी जो डिस्प्ले है उसे ऑफ कर सकते हो, आपको ऐसे हाथ रखना है तो डिस्प्ले होता है ऑफ हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे मिलता है नाइट मोड, तो अगर रात में आप चाहते हो कि ब्राइटनेस कम हो तो आप इसे ऑन कर सकते हो, तो यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हो कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक नाइट मोड ऑन हो, मतलब आपका जो ब्राइटनेस लेवल होगा वो 20% पे सेट होगा, मतलब ब्राइटनेस कम होगी, तो आपको मैनुअली जो ब्राइटनेस है उसे कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे यहाँ पे ऑटो पे सेट कर सकते हो। दोस्तों फिर होता है बैंड एप्स, तो यहाँ पे जो एप्स दिए गए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस है, फिर यहाँ पे सेटिंग्स है, टूल्स है, वेदर है, ब्रीद, स्लीप, SpO2,
हार्ट रेट, वर्कआउट्स, डेली एक्टिविटी, इस तरीके से यहाँ पे ये एप्स दिए गए हैं, आप फोन पे यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको कौन से ऐप यहाँ पे डायल पे रखने हैं तो आप उन्हें यहाँ पे टिक कर सकते हो, और जो नहीं रखने आप उन्हें अनटिक कर सकते हो। और आप इनका जो ऑर्डर है वो भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जो थ्री लाइन्स है उस पे यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके आप उसका जो ऑर्डर है वो भी चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपने अपने बैंड को सेटअप कर लिया है। अब देखते हैं इसके जेस्चर के बारे में, तो आपको इसे कंट्रोल कैसे करना है। अब मान लो आपको कहीं पे बैक आना है, तो बैक के लिए आपको यहाँ पे राइट स्वाइप करना है। इस तरीके से आप बैक आ सकते हो। यहाँ पे आपको पांच डायल फेस मिलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मान लो आप कहीं कुछ सेटिंग्स में हो, और अगर आपको डायरेक्टली आना है होम पेज पे, तो आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। यहाँ पे आप डायरेक्टली होम पेज पे आ सकते हो इस तरीके से। दोस्तों जब आप यहाँ पे सिंगल प्रेस करते हो होम स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्लूटूथ, डू नॉट डिस्टर्ब और बैटरी। तो आप बैटरी परसेंटेज यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपको एक बार यहाँ पे टैप करना पड़ता है होम स्क्रीन पर, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैश मारा हुआ है ब्लूटूथ पे और डू नॉट डिस्टर्ब पे। तो यहाँ पे ब्लूटूथ और डू नॉट डिस्टर्ब अभी ऑफ है। अगर मैं फोन में अभी इसे ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे जो स्लैश होगा ब्लूटूथ पर से वो हट जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे जो स्टेटस है ब्लूटूथ का, DND का और बैटरी परसेंट का वो यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको वॉच फेस मिल जाते हैं, आप यहाँ पे फोन में देख सकते हो वॉच फेसेस। दोस्तों यहाँ पे आपको पांच वॉच फेस मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे एक साथ पांच वॉच फेस रख सकते हो यहाँ पे रियल टाइम में। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपने हिसाब से खुद के वॉलपेपर सेट करने हुए, तो आपको यहाँ पे माई वॉच फेसेस पे यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कोई भी एक फोटो निकाल देनी है, या फिर आप चार फोटोज निकाल सकते हो। तो मैं मान लो यहाँ पे एक फोटो निकाल देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप एक साथ पांच ही फोटो रख सकते हो। तो अब आपको अगर खुद की फोटो रखनी है, तो आपको यहाँ पे जाना है फोटोज में, और फिर आपको यहाँ पे करना है कोई भी फॉर्मेट को सिलेक्ट, और आपको अगर ये फॉर्मेट अच्छा लगता है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको करना है चेंज फोटो। और फिर आपको अगर गैलरी में से ओपन करना है, तो गैलरी में से आपको जो फोटो सिलेक्ट करनी है आप उस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मुझे ये फोटो सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करूंगा और ऐड करूंगा। फिर आपको इस तरीके से यहाँ पे क्रॉप करना है, आपको जितना क्रॉप करना है उतना, और फिर आपको यहाँ पे डन कर देना है। और अभी आपको करना है यहाँ पे ऐड क्लॉक फेस, और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे जो मैंने वॉलपेपर सेट किया हुआ है डायल फेस पे, वो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो। तो आप अपने हिसाब से जो फोटो ऐड करना चाहते हो वॉच फेस पे आप वो कर सकते हो। दोस्तों आपको सेटिंग्स में आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है इसमें मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। आपको यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलता है, मतलब यहाँ पे कोई भी वाइब्रेट नहीं होगा अगर आप इसे ऑन करते हो। तो ब्राइटनेस लेवल, जैसे मैंने आपको बताया, ब्राइटनेस आप 20%, 100% तक यहाँ पे सेट कर सकते हो। और फिर आपको यहाँ पे डिस्प्ले टाइम, मतलब कितने समय के बाद जो डिस्प्ले है अपने आप ऑफ होना चाहिए, तो अगर आप 10 सेकंड भी रखते हो तो आप रख सकते हो, हर 10 सेकंड के बाद डिस्प्ले अपने आप ऑफ हो जाएगा। फिर इसके बाद वाइब्रेशन आपको किस तरह से चाहिए, नॉर्मल, वीक या स्ट्रॉन्ग, तो उसकी भी आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिलती है। फिर अगर आपको रिसेट करना हुआ तो आप रिसेट कर सकते हो। आप यहाँ पे इस बैंड को शट डाउन भी कर सकते हो, ये अच्छी बात है, और रिबूट भी कर सकते हो। दोस्तों शट डाउन करने के बाद क्या होता है, शट डाउन तो आप यहाँ से कर लोगे, लेकिन यहाँ पे इसे पावर ऑफ करने के लिए कोई भी बटन नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने बैंड को चार्जर से कनेक्ट करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, उसके बाद जो बैंड होता है वो ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से आप पावर ऑन पावर ऑफ कर सकते हो। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे एक्सरसाइज मोड में कौन कौन से एक्सरसाइज मिलते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे होता है, आपको मिल जाता है ऑप्शन वर्कआउट्स का। वर्कआउट में आपको मिलता है आउटडोर रन, इंडोर रन, फैट बर्न रन, आउटडोर वॉक, आउटडोर साइकिलिंग, इंडोर साइकिलिंग, इलेप्टिकल, ट्रेनर, रोविंग मशीन, क्रिकेट, बैडमिंटन, पूल स्विमिंग, योगा, फ्री ट्रेनिंग। ये जो बैंड है ये ATM 5 और IP68 रेटिंग के साथ आता है, मतलब ये वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ है। इसके बाद आपको यहाँ पे टूल्स में कुछ टूल्स मिलते हैं, जैसे म्यूजिक, आप यहाँ से म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट कर सकते हो, प्रीवियस कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। फिर आपको यहाँ पे स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म, इसके अलावा आपको कैमरा का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे कैमरा ओपन है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फोटो यहाँ पे क्लिक हो जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप फोटो क्लिक कर सकते हो, मतलब शटर बटन की तरह। फिर यहाँ पे आप सर्च फोन कर सकते हो, जब भी आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे रिंग होगी, तो आप अपने फोन को इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे स्लीप मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जो आप ऐप में देख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे SpO2 लेवल भी मिलता है, अगर आप यहाँ पे मेजर करना चाहते हो तो मेजर कर सकते हो। 90 के ऊपर अगर आपका SpO2 लेवल है तो कोई बात नहीं है, आपको स्टिल रहना है और यहाँ पे मेजर हो जाएगा। इसी तरह से उसी तरह से आप यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो, गहरी सांस लेकर आप यहाँ पे 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो।
फिर वेदर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हार्ट रेट भी यहाँ से आप चेक कर सकते हो, और फिर आपको डेली एक्टिविटी आपने क्या क्या की है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, स्टेप कितने चले हैं, कैलोरी कितनी बर्न हुई है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम देखते हैं किस तरह से आपको यहाँ पे कॉल रिसीव होता है और किस तरह से आप जो नोटिफिकेशन है उसे देख सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से आपको यहाँ पे कॉल रिसीव होता है बैंड पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पे इसे रिजेक्ट कर सकते हो यहाँ से, या फिर साइलेंट कर सकते हो, लेकिन जब आप साइलेंट करते हो तो फोन साइलेंट नहीं होता, ये जो बैंड है ये साइलेंट हो जाता है, मतलब जो इसका वाइब्रेशन है, जो कॉल स्क्रीन है वो ऑफ हो जाती है, मतलब इस तरह से काम करता है। मैंने दूसरे फोन में भी चेक किया, जब मैं साइलेंट पे क्लिक करता हूँ तो फोन साइलेंट होता नहीं है, रिंग बजती रहती है, साइलेंट बैंड होता है, वाइब्रेशन इसमें बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये जो फंक्शन है काम करता है वन प्लस के बैंड में, हालांकि पता नहीं वन प्लस फोन के साथ ये किस तरह से काम करता है, लेकिन मैंने जो फोन चेक किए हैं उसमें इसी तरह से काम करता है। अब मान लो आपको कोई मैसेज या नोटिफिकेशन आती है तो किस तरह से आती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा जो मैसेज है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, व्हाट्सएप के या कुछ कोई भी मैसेजिंग ऐप के, लेकिन जो जीमेल होता है या कोई भी ईमेल ऐप, उसमें केवल आपको सब्जेक्ट लाइन जो होती है वही दिखाई देती है, पूरा ईमेल आप नहीं पढ़ सकते। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस वन प्लस बैंड को सेटअप करके अब यूज कर सकते हो। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो इस बैंड के रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।